हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसान है। आज हम भारत के सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्र पढ़ेंगे। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 54 हो गई है। तो आज के वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, साथ ही हम बाघ गणना, प्रोजेक्ट टाइगर व इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को कहते हैं जहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 54 हो गई है और 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहले 6 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 7वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र रानीपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे भी साथ में याद रखिएगा, कुछ ही टाइम पहले इसे भी बनाया गया था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और विश्व के 75% टाइगर भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी और पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जहां पर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अब हमें भारत के सभी राज्यों के टाइगर रिजर्व क्षेत्र पढ़ना है। तो भारत के टोटल 18 राज्यों में आपको टाइगर रिजर्व क्षेत्र या टाइगर के लिए संरक्षित क्षेत्र देखने मिलेंगे। तो टोटल 18 राज्यों में आपको टाइगर रिजर्व क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट राजा जी, उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बुक्का, उड़ीसा में सिमलीपास, सतकोसिया और मध्य प्रदेश में आपको कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, पेंच। महाराष्ट्र में आपको पेंच, मेलघाट, तडोबा, सह्याद्री, नवेगांव और बोर। इसी तरह आपको छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदयंती और अचानकमार, ये आपको देखने मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। फिर 8वें नंबर पर है असम, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा, पक्की और कमलांग। फिर मिज़ोरम में आपको सिर्फ एक देखने मिलेगा, दम्पा। इसके बाद है बिहार में वाल्मीकि, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, याद रखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद झारखंड में है पलामू, तेलंगाना में कवल और अमरावाद, केरल में है पेरियार और परम्बिकुलम। इसके बाद तमिलनाडु में आपको अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीवित्सपुरम, मेघामलाई, सत्यमंगलम। फिर कर्नाटक में आपको डांडेली, नागरहोल, विलीगिरी, बांदीपुर और भद्रा, ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर है राजस्थान में आपको रणथंबोर, सरस्का, मुकुंद्रा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो केवल आपको 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व क्षेत्र देखने मिलेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, ये सारे टाइगर रिजर्व आपको याद करने हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गए हैं। अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। दोस्तों, अब यहाँ से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2023 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3,167। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। विश्व की कुल आबादी में सबसे ज़्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं? तो विश्व की कुल बाघों की आबादी में सबसे ज़्यादा बाघ भारत देश में पाए जाते हैं। विश्व की कुल टाइगर में भारत कितने प्रतिशत पर बाघ पाए जाते हैं? तो विश्व के कुल टाइगर में से भारत में
75% टाइगर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो 54वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वीरांगना दुर्गावती, एमपी में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? भारत का टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाघों की गणना में भारत सबसे पहले कब हुई? तो बाघों की जनगणना भारत में सबसे पहले 2006 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है रणथंभौर, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है। नेक्स्ट है, दंपा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है मिजोरम। नेक्स्ट है, पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पलामू है झारखंड में। नेक्स्ट है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? तो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य क्षेत्र राज्य में टाइगर रिजर्व नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर प्रदेश कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में टाइगर की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश में।